बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शुभाद। दोस्तों आप देख रहे हैं सन टेक। दोस्तों आज नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर हमारे मोबाइल का स्पीकर खराब हो जाता है तो हम लैपटॉप का स्पीकर कैसे यूज कर सकते हैं, और अगर हमारे लैपटॉप का या पीसी का स्पीकर खराब हो जाता है तो हम मोबाइल का स्पीकर कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। ये तो दोस्तों शुरू करते हैं। जी तो फ्रेंड, सबसे पहले आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने साउंड वाइज नेम से सर्च करना है। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। मजीद आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। साउंड वायर को ओपन किया है, ओपन करके आपको इसका इंटरफेस दिखाते हैं। इस तरह से कुछ इसका इंटरफेस है। तो ऑलरेडी मैंने इसको इंस्टॉल किया था, तो मैंने इसको यूज़ किया था। तो आपने क्या करना है, आप जाना है अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, सर्च करना है साउंड वायर। साउंड वायर के नाम से हम यहाँ पे सर्च करेंगे। इस ऐप का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहला आपने लिंक ओपन करना है। यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह से आपने स्टार्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो मैं अब आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। आपने सिंपली साउंड वायर को ओपन करना है। इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे सर्वर एड्रेस नज़र आ रहा होगा, तो अब आपने मोबाइल के ऐप में यही सर्वर एड्रेस को जो है ऐड करना है। यहाँ पे हम यही सर्वर एड्रेस ऐड कर रहे हैं, 192.168.10.10। तो हमने ऊपर जो वायर बनी हुई है पिक्चर में, उसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये कनेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्टेटस में कनेक्टेड लिखा हुआ गया है। अब ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब मैं लैपटॉप के ऊपर कोई वीडियो प्ले करूंगा तो वो मोबाइल के ऊपर प्ले होगी। तो इस तरह से मैं पहले आपको माइक्रोफोन के तौर पे इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। मैं लैपटॉप से बोलूंगा तो आपको आवाज जो है मोबाइल में सुनाई देगी। मोबाइल का स्पीकर ऑन है, तो अब मैं बात कर रहा हूँ तो अब आपको आवाज मेरी जो है मोबाइल के ऐप में सुनाई देगी, यानी मोबाइल के स्पीकर में। इस तरह से आप जो माइक्रोफोन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने डिफॉल्ट मीडिया के ऊपर क्लिक करना है। तो दोबारा से अब मैं आपको कोई सी वीडियो डायरेक्ट प्ले करके दिखाता हूँ। इंटरनेट से ब्राउजर को ओपन करते हैं, यहाँ से कोई वीडियो प्ले करते हैं, यूट्यूब को ओपन करते हैं। यूट्यूब को ओपन करने के बाद कोई सी वीडियो हम प्ले कर देते हैं, जैसे कि ये ऑल आउट क्रिकेट जहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं ओपन करता हूँ। अब आप देखेंगे कि मैंने वीडियो लैपटॉप में चलाई है, आवाज़ आपको मोबाइल में सुनाई देगी। Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections, and emails that get the job done. जी तो फ्रेंड, इस तरीके से आपने इस ऐप को इस्तेमाल करना है। इस मेथड से आप अपने मोबाइल के साथ अपने मोबाइल के स्पीकर को लैपटॉप के साथ शेयर कर सकते हैं, और लैपटॉप और पीसी के स्पीकर को आप मोबाइल से शेयर कर सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद है तो इसको ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नीचे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कॉमेंट किया करें। जी तो दोस्तों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।